welcome to Kohinoor, the true Basmati presents Comedy Circus ka Naya Daur, Tabla Tod. हर रात मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ मांगती हूँ कि हे भगवान कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर को चेंज कर दो. भगवान ने तो मेरी नहीं सुनी लेकिन प्रोड्यूसर ने मेरी बात सुन ली, मुझे यहाँ एंकर बनाकर भेज दिया और मेरी जगह देखो किसको बिठा दिया है. एक मिनट अर्चना जी, आपका तो फिर भी समझ में आता है लेकिन मैंने क्या गलती की है, मुझे किसका पार्टनर बना दिया है? अरे तुम्हें क्या सजा दी है रोशनी, सजा तो सोहेल को दी है, उसे देखो कहाँ बिठा दिया है. सोहेल सोहेल Fantastic, fantastic. Thakur, क्या act किया तूने यार? यार सुरिंदर, तेरे पिछले एपिसोड में तारीफ क्या कर दी? तो सर पे जाके बैठ गया यार. एक मिनट. लगता है कॉमेडी सर्कस वालों ने आज की थीम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है. आज की थीम है पार्टनर एक्सचेंज, लेकिन हमारे पार्टनर्स एक्सचेंज नहीं होंगे, वो तो जोड़ियों के होंगे ना. तो प्लीज सोहेल अर्चना आप आ जाइए अपनी अपनी कुर्सियों पर और हम चलते हैं अपनी अपनी जगह पे. Please welcome film Ladies versus Ricky Behel ki star jodi, the very handsome Ranveer with the stunning and sizzling Anushka. Oi 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 अनुष्का, अनुष्का, ब्रेड पकोड़े छिपा दे. क्यों? ये देख लेगी ना, चीन के खा जाएगी. I love bread pakoda. चल नहीं, चल वो छोड़, पर इनके डोले देख, देख जरा इनके डोले. तुझे मैंने कहा था ऐसी बॉडी बनाने के लिए. अबे बंदे की और ट्रक की बॉडी में फर्क होता है. रणवीर देख यहाँ पे कौन कौन है. कौन कौन? सोहेल है. सूरी जी यहाँ जो भी आता है ना प्रमोशंस के लिए बहुत टांग खींचते हैं ये लोग. हाँ तो मतलब ये क्या हमारी टांग खींचेंगे. एक काम करते, तू और मैं ना एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं. बस ये मेरे वजन के बारे में बात नहीं करेंगे, मेरे वजन के बारे में बात नहीं करेंगे. ये मीडिया प्रेस बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया है. तेरे वजन के बारे में नहीं बात करेंगे तो फिर तेरे अफेयर्स के बारे में बात करूं. हाँ कर, आई एम वेरी प्राउड. अर्चना जी क्या है ना, अनुष्का और सुरिंदर का जम के अफेयर चल रहा था. तू ना मेरे वजन के बारे में बात करते. चल तेरे वजन के बारे में नहीं बात करते, तेरी समझदारी के बारे में बात करते. सोहेल भाई ये इतनी समझदार है. एक बार ये एक जगह पे गई और उन्होंने ऑर्डर दिया एक बर्गर, एक पिज्जा, एक कोक. तो वहां सामने वाले ने बोला कॉलेज लाइब्रेरी है. तो उसने बोला ठीक है, एक बर्गर, एक पिज्जा, एक कोक. और तू तो बहुत समझदार है ना. इससे मैंने एक बार पूछा कि बता कि अगर कोई आदमी समुद्र में गिर जाए तो वो बाहर कैसे निकलेगा. तो बोलता है गीला होकर. तेरे तो जोक में भी वजन नहीं है. तुझे मैंने कहा था ना मेरे वजन के बारे में बात नहीं करनी है. जा मैं तुझसे बात नहीं करूंगी. मैं नहीं बोली तुझे. तू नहीं बोल रही है. बदमाश कंपनी में बोला था ये नहीं बोलते, अब यहाँ आएगी बोलेगी मैं नहीं बोल रही हूँ तो प्रमोशन तेरा बाप करेगा. इसकी शक्ल देखिए, वाह 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 क्या बात है, इससे कई गुना बेटर हमारी फिल्म है. तू बड़ी जन्नत की नूर है. तेरी आई साइट पुअर है. अच्छा तुझे बड़ा गरूर है. एक मिनट. आपकी फिल्म का नाम है लेडीज वर्सेस रिकी बहल, नॉट अनुष्का वर्सेस रणवीर. यहाँ जोरदार तालियां हो जाए अनुष्का और रणवीर के लिए. बहुत मजेदार कहानी है जी. ये रिक्की बहल की कहानी है. रिक्की बहल एक पेशेवर पाखंडी आदमी है, लड़कियों को ठगता है, उनके पैसे लेके भाग जाता है और एक दिन उसकी लग जाती है क्योंकि एंट्री होती है उसकी लाइफ में इनकी. प्लीज गो टेक योर सीट्स एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू. Bharti as herself and Sudesh as various characters. Thank you.
अच्छा लगा ना ये स्टेप? मैंने अनुष्का को सिखाया था, लेकिन इस लड़की ने उस फिल्म में भी ढंग से नहीं किया। ओह गॉड, वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारी कॉमेडी सर्कस में अनुष्का आने वाली है। उसकी वजह से नहीं खुश, क्या पता उसके साथ शाहरुख खान भी आ जाए। रणबीर, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? प्लीज ऐसे मत देखा करो, मैं मान जाती हूँ। शाहरुख खान एक पहला ऐसा हीरो है जिसने एक नई लड़की को अपनी फिल्म में चांस दिया था, और मैं तो अनुष्का से कई गुना ज्यादा टैलेंटेड हूँ। बस फटाफट बॉम्बे पहुंच जाऊं मैं। कब जाऊंगी मैं मुंबई? हाय, बस पापा से पूछ लूं तो बस बात ही बन जाए। पापा, नहीं ये सब पीछे, आज मैं बाप का रोल में हूँ। पापा, पापा मुझे मुंबई जाना है। क्या करोगी? क्या पड़ोसी राहुल से लड़ाई होगी? पापा मुझे कॉमेडी सर्कस में जाना है। कॉमेडी सर्कस? कॉमेडी सर्कस क्या है? कॉमेडी सर्कस जब भी ये लगा होता है मैं उसी वक्त बंद कर देता हूँ सुदेश का एक्ट देख के। पापा मैं जाऊंगी मुंबई। और पापा, रणबीर कैसा लग रहा है? पापा पापा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है पापा, पर मुझे अनुष्का बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों? मुझे बहुत इससे जलन होती है पापा। यानी इससे क्या जलना, सुंदर सी तो है। क्या है, पतली सी गोरी सी हीरोइन टाइप, छोड़ा इसका। अरे ऐसी लड़कियां तो बचपन से टैलेंटेड होती हैं, कुछ नहीं होता, जैसी क्यों करनी। कुछ नहीं है, इसकी शक्ल देखो ना, कटरीना से मिलती है ना करीना से, अपना ही वजूद बना के बैठी है। कुछ नहीं है, ये अपने टैलेंट पे हिट होने वाली सुपरस्टार कहेगी। पापा अनुष्का कब से आपको देख रही है? पापा अनुष्का नहीं नहीं नहीं, ओए गलत ना समझो, उसको बेचारी को प्यार हो गया मेरे से। कोई बात नहीं, मैं ऊंच नीच नहीं देखता, गरीबी अमीरी मेरे दिमाग में नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पति और पिता का प्यार दूंगा। एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हो आप? जारी जारी जारी, मजाक कर रहा हूँ यार। अरे अरे ऐसे ऐसे, तुम तो जानती हो मैं क्यों करूंगा, जबकि प्यार तो मैं अर्चना से करता हूँ। तुम क्या समझती हो, आज मेरे जीवन में एक सुंदर लड़की आ गई तो मैं क्या तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम मेरी माँ की पहली पसंद हो। मैंने अपनी माँ को अर्चना की फोटो दिखाई, उसने उसी वक्त कह दिया मेरा जमाई राजा बनेगा तो अर्चना। ओह गॉड पापा, लेकिन आखिरी बार कह देती हूँ, मैं मुंबई जाऊंगी पापा। मेरे होते हुए तू नहीं जा सकती। तो पापा आप बैक स्टेज जाओ, फिर फटाफट चलो। पापा मैं जाऊंगी मुंबई। यस यार, रणबीर प्लीज यार, नहीं हो रहा मुझसे। I'm sorry sir, I'm sorry. मुझे पता है तू अनुष्का के साथ फिल्म करके खुश नहीं हो। यार अब क्या करूं, मैं नहीं होंगी इधर कॉमेडी सर्कस में तो नहीं चलेगा ये। हाय रब्बा, कॉमेडी सर्कस अनुष्का आएगी, एस आर के आ जाए, बस सुबह मुंबई जाना है। सच में शाहरुख, मैं नहीं मानती। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ना, कहिए ना। मेरी तरफ देखो। जवाब नहीं दोगी क्या? थैंक यू, तुमने आई लव यू टू कहा। माय नेम इज खान, रावण मैंने नहीं बनाई। अरे नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अरे नहीं बनाई, अच्छा लगता है। संभालिए अपने को, क्या रावण बना के क्या हो गया आपको? संभालिए आपको। आई लव यू किंग खान, आई लव यू। और मैंने आपकी रावण पूरी देखी है, पूरी। लेकिन आप बिल्कुल ही मत सोचिए ऐसा, इसमें आपका क्या कसूर? आप तो प्रोड्यूसर थे, कसूर किसका था? डायरेक्टर का। वैसे डायरेक्टर ने क्या सोच के रावण बनाई? अगर सोचा होता तो क्या हुआ? सॉरी। लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने रब ने बना दी जोड़ी में, अनुष्का को ले लिया, मुझे क्यों नहीं लिया? आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सच? रब ने बना दी जोड़ी पार्ट टू बना रहा हूँ। yes!
चैन इसमें। लेकिन ऐसा क्या है उस 250 ग्राम चिकन में जो आपको 85 किलो का ये बकरा नहीं दिखता? लेकिन आपको पता है मैं इससे ज्यादा टैलेंटेड हूँ। इसने कैसे आपको डांस सिखाया था? ये वाला मैं इससे अच्छा डांस सिखा सकती हूँ आपको। सिखाओ म्यूजिक। बस 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 अब आपकी बारी म्यूजिक। से शाहरुख खान जितना मर्जी बन लो, अंदर से सुदेश ले रही हो। ये डांस वास तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हें जो आता ना वही करो। चलो थैंक यू दोस्त। अनुष्का, आपकी पहली फिल्म के सुपरस्टार हीरो आपको कैसे लगे? सुपर्ब यार, यू गाइस आर सो गुड। आई एम लिटरली स्पीचलेस। आप भयानक है, भयानक। और भारती जो बिल्कुल आपकी जैसे बनना चाहती है, उसके लिए कोई टिप्स, मतलब उससे कोई टिप्स लेना चाहेंगे आप? कॉमेडी सिखा दो यार, मैं क्या तुम्हें टिप्स दूंगी। ब्रिलियंट यू आर, आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, एंड आज तुमको लाइव देख के यार मजा आ गया। रणवीर, तो सुहेल, जितना रणवीर अपनी डांसिंग को एंजॉय करता है, मैं यही कहने वाला था कि रणवीर तेरे लिए एक चैलेंज है कि तू जा और जितना तू बीट पे करेगा ना, जितना ऑफ बीट पे करते तू कंफ्यूज हो जाएगा। सुपर एक्ट। थैंक यू सो मच। अर्चना, भारती आप में टैलेंट है कि आप जिसके साथ भी करती हैं आप कमाल करती हैं, तो आप पर ही नजरें रहती हैं। और सुदेश, एज शाहरुख, आई थिंक यू द क्यूटेस्ट शाहरुख। आई थॉट क्रिएटिव टीम की तरफ से एक बहुत बढ़िया ट्रिब्यूट है टू द स्टार्स हु आर विद अस टुडे। कांग्रेचुलेशंस टू देम इन एडवांस and our best of luck to both of you. Thank you. Anushka ji, aap aaj is maqam pe pahunchi hain, hame badi khushi hai, nahi to inki aap log nahi jante itni gandi society mein ye reh chuki hain. Maine khud aapko badmash company mein dekha tha. Sohil ji, aapne itni tareef ki meri dance ki, main Krishna jaye nahi hai lekin main tareef zarur karunga. Maine jo jitna bhi dance sikha hai usi se main kabhi soch bhi nahi sakta tha main Prabhu Deva se aage nikal jaunga. Ye sab usi ka credit hai. और थोड़े बहुत कॉमेडी के लिए भी स्कॉर्स दे दीजिए। दिस इज माय सलाम टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।